अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, साइंस टीचर मोहम्मद उस्मान, क्लास 4 का लेक्चर आज हम देंगे। लास्ट टाइम हमने जो है लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई डिस्कस किया था, आज हम पेज नंबर 10 पे लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो को भी डिस्कस करेंगे। देखिए, आपके पास लाइफ साइकिल ऑफ जो क्या कहते हैं मॉस्किटो है, वो भी चार साइकिल्स पे डिपेंड, चार स्टेजेस पे डिपेंड करती। पहले एग, एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा और प्यूपा से एडल्ट। फिर होता है क्या, सही है कि देखिए पहले हम एडल्ट से डिस्कस करते हैं। व्हेन द एडल्ट, चले एग से पहले आगे पर एडल्ट क्या करे, एग देता है, अंडे देता है। एग जो है वो आगे पर क्लस्टर यानी एक मखसूस एक शेप में, एक जो है डिज़ाइन में, एक पर्टिकुलर एरे में क्या किया जाते हैं, दिए जाते हैं पानी की सतह के ऊपर। देन आगे पर जो है जब ये अंडे इस एडल्ट आगे पर फीमेल मॉस्किटो ने अंडे दे दिए, तो उस अंडों में से आगे पास निकलते हैं आगे पास ये लार्वा। अपनी बुक में देखेंगे तो वहाँ ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा, ये इसका फ्रंट पार्ट है और ये इसकी बैक साइड है। द लार्वा इज कॉल्ड अ रिगलर, लार्वा जो इसका क्या कहलाता है, रिगलर कहलाता है। देखिए यहाँ भी इसका नाम डिफरेंट है, लार्वा जो बटरफ्लाई था उसका नाम कैटरपिलर था, जो मील वॉर्म बीटल था उसका नाम आगे पास जो मील वॉर्म था, और देन यहाँ जो है मॉस्किटो का जो लार्वा उसका नाम क्या है, रिगलर है। इट कैन ऑनली लिव इन वाटर, ये सिर्फ और सिर्फ पानी में रह सकता है। इट ब्री, देखिए इसकी बैक साइड पे ये जो है क्या है, एयर ट्यूब है, ब्रीथिंग ट्यूब, एयर ट्यूब भी कहते हैं और ब्रीथिंग ट्यूब भी कहते हैं। इसके ज़रिए पानी में, पानी ये सर पानी की सरफेस पे रहती है, पानी की सतह पे रहती है और ये इसको सांस लेने में मदद देती है। अब रेगुलर भी क्या करता है, ये भी मोल्ट होता है यानी अपने स्किन को झाड़ता है जैसे वो बड़ा होता रहता है, और देन वो फिर ये किस में, इस प्यूपा की शक्ल में आगे पर तब्दील हो जाता है। बिल्कुल ऐसा देखें ये कोमा की शक्ल में, आपने इंग्लिश में लिखते हुए कोमा लगाते हैं ना, इस कोमा की शेप में ये जो प्यूपा तब्दील हो जाता है। प्यूपा क्या होता है, ये पानी के अंदर चला जाता है। इट इज़ कोमा शेप, जैसे यहाँ लिखा हुआ कोमा शेप में होता है। ये कुछ ना खाता है ना पीता है, पानी के नीचे रहता है ताकि ये ख़तरों से महफूज रखे। फिर देन ये मेटामॉर्फोसिस में जाता है और देन ये एडल्ट फ्रॉग में, सॉरी एडल्ट मॉस्किटो में तब्दील हो जाता है। व्हेन द एडल्ट मॉस्किटो इमर्जेस, जैसे इसमें से जो है एडल्ट मॉस्किटो निकलता है, इट स्प्रेड इट विंग्स टू ड्राई देम, बाहर निकलता है और अपने परों को फैला लेता है कि पानी के अंदर गीले हो चुके हैं तो सुखाता है। और फिर बोला कि एक जो फीमेल जो एग जो है वो कई सैकड़ों 100-200 अंडे जो है एक वक्त में देती है। अच्छा, यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात जो कि आपसे डिस्कस करूँ वो ये, नॉर्मली कहा जाता है मच्छर जो है खून चूसते हैं, हमारे खून पीते हैं, सिर्फ और सिर्फ फीमेल मॉस्किटो क्या, सिर्फ जो यहाँ देखिए यहाँ नीचे आपके पास लिखा अभी नीचे ये जो पॉइंट सारी बात लिखी वो यहाँ ये लिखी हुई, जो सिर्फ फीमेल मॉस्किटो है वो क्या करती है, खून पीती है। बाकी जो मेल मॉस्किटो होता है वो फूल और फलों पे क्या करता है, उनका रस चूसता है, नेक्टर नेक्टर पे। सिर्फ फीमेल मॉस्किटो क्या करती, खून चूस रही होती है, मेल मॉस्किटो खून नहीं चूसता। अच्छा जी, आज के लिए चले खैर हम इतना ही रखते हैं, सही है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, चलिए थोड़ा सा और आगे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ जो है नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है वो है व्हाई डू यू ग्रो अप टू लुक लाइक दियर पेरेंट्स, बोला आप बड़े होके अपने पेरेंट्स की तरह क्यों दिखते हैं। जैसे ये कॉकरोच की दिखाया गया है, ये कॉकरोच छोटे छोटे कॉकरोच है, ये कुछ अलग नस्ल के कॉकरोच हैं, वाले कॉकरोच नहीं जो नॉर्मली हमारे घरों पर होते हैं। सही, ये बड़े होके अपने कॉकरोच की तरह हो जाते हैं। देखेंगे जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, छोटे छोटे आपके पास मेंढक है, बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन बड़े होकर ये बिल्कुल ऐसे ही हो जाते हैं अपने पेरेंट की तरह, और हम भी थोड़ी बहुत अपने पेरेंट्स की तरह ही दिख रहे होते हैं। देखिए होता क्या है, यहाँ असल में हमारी बॉडी के अंदर एक इंफॉर्मेशन होती है, एक मालूमात होती है जो कि जिसे हम कहते हैं जीन्स। जैसे देखिए यहाँ मैंने लिखा, यहाँ लिखा हुआ भी लिखा है ये जीन्स, ये जीन्स दरअसल क्या है, हमारी बॉडी के अंदर बाकायदा तौर पे इंफॉर्मेशन है। जब हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं,
तो उनकी बॉडी से ये इन्फॉर्मेशन जो है निकल के आपके पास जो है, क्योंकि हम तो दरअसल अपने पेरेंट्स से ही पैदा है ना, तो उनकी इन्फॉर्मेशन जो है हमारी बॉडी के अंदर भी क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। हम जो होते हैं वो इन्हीं की जीन्स से बने होते हैं, इन्हीं की इन्फॉर्मेशन से बने होते हैं, तो कुछ करेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर हमारे मदर से और कुछ करेक्टरिस्टिक्स हमें हमारी वालदा से मिल रही होती हैं। ये जीन्स जो हमारे पेरेंट्स हम तक ट्रांसफ़र होती हैं, यही रिस्पॉन्सिबल होती हैं इस चीज़ के लिए कि हम अपने पेरेंट्स की तरह ही दिख रहे होते हैं, और बड़े होने के बाद हमारे अंदर कुछ चीज़ें अपने पेरेंट्स की तरह होती हैं, यानी हम कुछ बाल हमारे पेरेंट्स की तरह होते हैं, हमारी आंखें पेरेंट्स की तरह होती हैं, हमारी हाइट, हमारा बोलने का तरीका, कार एन ई टी सी वगैरह वगैरह। ठीक है, जो देखिए जी, हमेशा याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ कि हम बड़े होकर अपने पेरेंट्स की तरह क्यों हो जाते हैं, आप बोलेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ जीन्स, जीन्स की वजह से। आपसे कब बोलेंगे व्हाट इज़ जीन्स, जीन्स क्या होती है, आप बोलेंगे इट्स अ बायोलॉजिकल इनकोडेड इन्फॉर्मेशन। ये क्या है, ज़िंदगी की क्या है इन्फॉर्मेशन है जो कि पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती है, सही है। फिर दैन जो है ये ऑफ स्प्रिंग यानी औलाद जो है बढ़ते हुए अपने पेरेंट्स की ही तरह हो जाते हैं। अच्छा, जो आगे पास जो करेक्ट जो इन्फॉर्मेशन जो करेक्टरिस्टिक्स जो ट्रांसफ़र होती हैं पेरेंट्स से आगे पास जो है ऑफ स्प्रिंग पे, उस उन करेक्टरिस्टिक्स को हम क्या कहते हैं, ट्रेड्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर मेरी आईज़ जो है मेरे वालिद की तरह है, ये मुझे वालिद से क्या मिली, ये करेक्टरिस्टिक जो मेरे पास है वो ये ट्रेड्स कहलाएंगी। और इस पूरे अमल को हम दरअसल क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं, यानी जो ट्रेड्स का जो ट्रांसफ़र होना है, जो सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स का पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होना है, उसे हम दरअसल हेरिडिटी कहते हैं। मैं दोबारा से अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपसे कोई पूछे बताओ कि भाई हम पेरेंट्स की तरह क्यों दिखते हैं, आप बोलेंगे जीन्स की वजह से। आप समझे जीन्स क्या होते हैं, आप बोलेंगे ये बायोलॉजिकल इनकोडेड इन्फॉर्मेशन है, ये बायोलॉजी की ज़िंदगी की इन्फॉर्मेशन है जो कि पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती है, और फिर जो ऑफ स्प्रिंग अपने पेरेंट्स की तरह ही डेवलप कर रहे होते हैं। फिर आपसे कोई पूछेगा कि भाई ये जो करेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स की तरह होती हैं इन्हें क्या कहते हैं, बोला आप इसे कहते हैं, इसे ट्रेड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे पेरेंट्स की तरह जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्प्रिंग के अंदर मौजूद होती है इसे हम ट्रेड्स कहते हैं, और ये जो ट्रेड्स हमें पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होती है इस अमल को हम हेरिडिटी कह रहे होते हैं। देखें यहाँ ये दोनों, ये अम्मी हैं और ये इनकी बेटी है, दोनों के बाल एक जैसे हैं, दोनों के आगे पास जो है नोज़ एक जैसी हैं, दोनों के आगे पास जो है स्किन कलर भी एक जैसा है, और बिल्कुल इसी तरीके से नीचे देखें यहाँ भी ऐसा ही है, सही। और आगे पास देखें दोनों के अंदर डिम्पल्स पड़ रहे हैं, दोनों की जो है डबल आई लिड है वगैरह वगैरह। तो यदि कुछ करेक्टरिस्टिक्स हमारी, देखिए ये जो करेक्टरिस्टिक्स इन दोनों की ट्रांसफ़र हो रही है, बाल दोनों की जैसे ये ट्रेड्स है, सही। और जिस प्रोसेस के ज़रिए ये ट्रांसफ़र हो, जिस प्रोसेस का नाम हमने क्या दे दिया, हमने हेरिडिटी का नाम दे दिया। यहाँ भी देखिए वही एग्जांपल्स यहाँ जस्ट दी गई कि ये एलिफेंट जो है छोटा सा एलिफेंट अपने पेरेंट की तरह दिख रहा है, या के पास जो है ये क्या कहते हैं ये हेजहॉग जो है छोटा सा है जो आगे अपने पेरेंट की तरह मिल रहा है, ETC। ठीक है, तो यानी यहाँ जो दरअसल जो चीज़ें डिस्कस की गई वो तीन चीज़ें, जीन्स हैं, ट्रेड्स हैं और हेरिडिटी है। जीन्स दरअसल वो इन्फॉर्मेशन जो कि पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग पर ट्रांसफ़र होती हैं, ट्रेड्स वो करेक्टरिस्टिक जो कि पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती हैं, और इस करेक्टरिस्टिक के ट्रांसफ़र होने के अमल को हम हेरिडिटी कहते हैं। यहाँ क्या आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब इस चैप्टर की आपकी वर्किंग जो है आपको दे दी जाएगी, आप उसे कॉपी में कीजिएगा और लाके चेक कराइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।